आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर राम शहर में स्थानीय व्यापार मंडल, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पंचायत सदस्यों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल पंचायत प्रधान वीरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में स्थानीय तहसीलदार विमला पोखरियाल वर्मा से मिला और इस क्षेत्र में क्वारंटीन केंद्र खोले जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन से बार बार आग्रह किया गया है कि जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया है वहां 3 शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। जब भी सरकार शिक्षण संस्थान खोलने के बारे में कोई फैसला लेगी तो यहां पढ़ाई कैसे हो पाएगी? परिसर को सैनिटाइज के लिए भी पर्याप्त समय चाहिए, अन्यथा बच्चों के संक्रमित होने का खतरा है। इसके अतिरिक्त राम शहर इलाके की करीब 20 पंचायतों का केंद्र है और लोगों को अपने काम करवाने के लिए तहसील कार्यालय राम शहर में आना पड़ता है, लेकिन जो रास्ते हैं इन क्वारंटीन सेंटरों के बीच से होकर गुजरते हैं, जिसके कारण लोगों को संक्रमण का खतरा बना रहता है। हमारे यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं, हमारा व्यापार मंडल है, लोकल जितने भी लोग हैं, थोड़ी सी हमारे यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं उनसे लेकर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उन क्वारंटाइन सेंटरों से कोई टॉयलेट का पानी है, कोई खड्डे भरे जा चुके हैं, तो बीच से ही रास्ते हैं, वहाँ से वो दिक्कत थी। क्वारंटाइन सेंटर है वो शहर के बीच में भी बन रहे हैं, तो उसके लिए लोग ये कह रहे थे कि कम से कम यहाँ थोड़े शहर से बाहर होने चाहिए। तो मैडम जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैडम जी ने तो अभी तक तो यही कहा है कि जो जिस हिसाब से प्रशासन की गाइडलाइन होगी हम उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो आपको सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जैसे नीचे नालागढ़ एरिया है, बद्दी एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े सेंटर हैं, बड़े बड़े वो हैं, यहाँ पे इतनी सुविधा भी नहीं है, अगर हो सके तो उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। धन्यवाद। पंचायत के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, व्यापार मंडल के लोगों ने, सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मैम से जो क्वारंटीन सेंटर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विगत कई महीनों से चल रहा है उसको चेंज करने के बारे में इनसे प्रार्थना की, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का प्रश्न है, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, तो इसलिए हमने ये प्रार्थना की है कि इस सेंटर को चेंज किया जाए, इस सेंटर को चेंज किया जाए और स्थायी रूप से रामशहर या अन्यत्र कहीं इसको स्थापित किया जाए, ताकि जो है हमारे बच्चे भी सुरक्षित रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो मैडम जी ने क्या आश्वासन दिया आपको? मैम ने अच्छा आश्वासन दिया, सकारात्मक रूप से हमारी बात सुनी है और उन्होंने इस विषय में कहा है कि मैं उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करूंगी और उनके दिशा अनुसार ही काम किया जाएगा। तो आपके कितने लोग इसमें डेपुटेशन में मिले? इसमें तो कोई 100 के करीब लोग थे, अभी कुछ लोग बाहर भी थे, 100 के करीब लोग आए हैं और अगर वक्त पड़ा तो यहाँ हजारों में भी लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ से सेंटर को बदलवाने के लिए लोग जो है अपना पूरा प्रयास करेंगे, अपनी भावनाएं जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो आपकी मुख्य समस्या क्या थी? ऐसे मुख्य समस्या तो यही थी, मेन समस्या यही थी कि रामशहर में या माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर ही क्वारंटाइन किया जाए, बजाय इसके भी उनको कहीं इधर उधर क्वारंटाइन किया जाए, क्वारंटाइन सेंटर जो है बॉर्डर पर किया जाए, ताकि वहां से उनकी सैंपलिंग, उनकी टेस्टिंग, उनकी रिपोर्ट के बाद उनको अपने घरों में भेजा जाए। अब यहां जो स्कूल की समस्या है और गांव के बीच में स्कूल है, 4-5 गांव वहां से बनते हैं, वहां का रास्ता है, हमने बात की है, अब मैम ने सकारात्मक रूप से ये बात हमें बताई है, बाकी अगर प्रशासन इस दिशा में कोई काम नहीं करेगा तो हजारों लोग वहाँ एक धरने पर भी बैठेंगे, अपना रोष जो है उस रूप में व्यक्त करेंगे भी इसको चेंज किया जाए। यहाँ स्थानीय लोगों का एक डेपुटेशन आपसे मिला, तो लोगों ने क्या समस्या रखी? तो आपने क्या आश्वासन दिया इन लोगों को? क्या किया जाएगा, विचार किया जाएगा? हालांकि अभी तक इस क्षेत्र का कोई भी स्थानीय व्यक्ति संक्रमित नहीं हुआ है, जो भी हुए हैं वो बाहर से आए थे। एंडी शास्त्री ने कहा कि जब सरकार की नीति है कि बाहर से आने वाले लोगों को राज्य की सीमा पर जांच करके
वहीं पर क्वारंटाइन किया जाना चाहिए तो इस आबादी में क्यों रखा जा रहा है? तहसीलदार विमला पोखरियाल वर्मा ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि उनके आवेदन को उच्चाधिकारियों को भेजकर लोगों की भावनाओं से अवगत करवाया जाएगा। रामशहर जिला सोलन से आपका संवाद के लिए निजी संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।